आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मेडिकल टॉपिक के बारे में जो कि है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में NAFLD भी बोला जाता है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज क्या है, किन लोगों को ये हो सकता है, किन लोग रिस्क फैक्टर में रहते हैं जिनको आगे चलकर ये हो सकता है, जिन लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हुआ है उनमें क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं, इसको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी जाँच है जो हम करा सकते हैं जानने के लिए कि हमको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हुआ है कि नहीं, और अगर ये आपको हुआ है तो किन डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखिए, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार, मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो लीवर है उसके पे फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। जो लोग बिल्कुल दारू का सेवन, मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, या फिर ओकेशनली कभी कभार दोस्तों के साथ हो गया, कभी साल में एक दो बार, छह महीने में या तीन महीने में एक दो बार ओकेशनली एक ग्लास जो ऐसे ही हंसी मजाक के लिए उठा लेते हैं, ऐसे लोगों में जो फैट का डिपोजिशन या लीवर में दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो इसके होने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, कारण अभी भी अननोन है, कारण अभी भी किसी को नहीं पता है किस वजह से हो रहा है, लेकिन किन लोगों को ये हो सकता है उसके बारे में हमको जानकारी है जो हम आपको बताना चाहेंगे। पहला, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं, और दूसरा, जिन लोगों ने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराई हुई है। तो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी क्या है? यह एक वेट लॉस सर्जरी रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा पेट है उसको दो भागों में बांटा जाता है, ऊपरी भाग निचला भाग, और दोनों को एक कनेक्शन के थ्रू इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो उससे क्या कहता है, आप जो भी खाना खाते हैं उसको पेट ज़्यादा समय के लिए रोक नहीं सकता है, तो बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है। इससे क्या होता है, शरीर में फैट कम बनता है। तो ये सर्जरी जिसने करा रखी है, या फिर जिन लोगों को बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, या फिर जिन लोगों को मधुमेह की समस्या रहती है, जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज बना रहता है, इन लोगों को आगे चलकर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने की जो संभावना है बहुत ज्यादा हो जाती है। जिन लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होता है उनको आगे चलकर ये अगर ट्रीट नहीं किया गया तो आगे जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होता जाता है वैसे वैसे ये नॉन अल्कोहलिक स्टियोहेपेटाइटिस का रूप ले लेता है। नॉन अल्कोहलिक स्टियोहेपेटाइटिस क्या होता है, इसमें देखिए, जो हमारे लीवर में हेल्दी टिश्यूज़ हैं उनको स्कार टिश्यूज़ रिप्लेस कर देती हैं, तो ये आगे और चलकर सिरोसिस हो जाता है, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ तो आगे चलकर लीवर फेलियर हो जाता है। तो देखिए, जो लोग दारू का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उनमें भी लीवर कैसे ख़राब होता है मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। पहले उनके में लीवर में सूजन आता है, फिर फाइब्रोसिस होता है, फिर सिरोसिस होता है, उसके बाद लीवर फेलियर होता है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में क्या होता है, सबसे पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की समस्या होती है वो ठीक नहीं होता है तो नॉन अल्कोहलिक स्टियोहेपेटाइटिस होता है, फिर सिरोसिस होता है, फिर लीवर फेलियर होता है। तो दोनों में जो खराब, लीवर खराब होने की जो प्रक्रिया है वो एकदम सेम लेवल पे चल रही है। फर्क इतना ही है कि एक में व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीता है, एक में बिल्कुल नहीं पीता, यही फर्क है दोनों में। बाकी जो लीवर खराब होने की जो प्रक्रिया है दोनों में एकदम सेम चलता है, और जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज का जो पर्सन का लीवर है वो आगे आगे अगर कंडीशन ठीक नहीं हुई, अगर आगे बढ़ता गया तो ऐसा लगता है जैसे कि ये व्यक्ति बहुत दिनों से दारू का सेवन कर रहा है उसका लीवर, और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दारू पीता उनका लीवर, दोनों का एक ही जैसा लगने लगता है। तो ये इसके लक्षण होने लग जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जिनको हुआ है, तो होने के बाद उन व्यक्तियों में क्या क्या लक्षण शुरू होते हैं उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अर्ली स्टेज में जो रहता है उसमें तो कोई भी लक्षण नहीं मिलते हैं, जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होता जाता है व्यक्तियों में थकावट की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनको एकदम दर्द उठना चालू हो जाता है राइट अपर क्वाड्रेंट में, राइट साइड जो होता है आपका पेट का, वहाँ पे दर्द चालू हो जाता है। और ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज को अगर ट्रीट नहीं किया गया और आगे चलकर ये नॉन अल्कोहलिक स्टियोहेपेटाइटिस या फिर सिरोसिस तक पहुँच जाता है तो आदमी का जो पेट है, व्यक्ति का
का पेट जो है बहुत ज़्यादा फूल जाता है, एकदम बैगेज की तरह पेट सूजन हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और पेट के ऊपर आपको जो खून की नसें रहती हैं आसानी से आप देख सकते हैं, इस हिसाब से वो दिखना चालू हो जाती हैं। और स्प्लीन एक ऑर्गन रहता है वो भी अपने साइज से बड़ा हो जाता है, और इनमें जो हमारी हथेलियाँ हैं, हथेलियाँ एकदम लाल कलर की होने लग जाती हैं, और हमारा जो त्वचा है, त्वचा का रंग, आँखों का रंग एकदम पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसको कि हम जॉन्डिस भी बोलते हैं। तो आइए आगे हम बात करते हैं कि किन लोगों को आगे चलकर, जिस जिनको अभी कुछ रोग हैं, आगे चलकर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कोलेस्ट्रॉल रहता है, जिन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का अर्थ है जिन लोगों को बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, बहुत ज़्यादा शरीर में फैट बनता है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, जिनको हार्ट रिलेटेड समस्याएँ हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, या फिर जिन महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या है, या फिर जिन लोगों को स्लीप एपनिया की समस्या है। स्लीप क्या होता है? स्लीप एपनिया में क्या होता है, व्यक्ति जो है सामान्य रूप से हम जब सोते हैं, सीधा सोते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति सामान्य से सीधा सोता है रात को, एकदम उसको ऐसा लगता है उसका किसी ने गला दबा दिया हो, सांस किसी ने रोक दी हो, एकदम चोक्ड फील करता है, बराबर वो सांस नहीं ले पाता रात को, तो उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। तो ऐसे व्यक्तियों को भी आगे चलकर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, या फिर जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, टाइप 2 डायबिटीज है, या फिर जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है, हाइपोपिट्यूटरिज्म की समस्या। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, थायराइड जितना हार्मोन रिलीज करना चाहिए उतना नहीं करता, उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर पिट्यूटरी जितना हार्मोन्स रिलीज करना चाहिए उतना नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो ये जो समस्याएं हैं आगे चलकर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज का रूप ले सकती हैं। जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जो है, इसका अगर निवारण नहीं किया गया तो आगे चलकर नॉन अल्कोहलिक स्टियोहेपेटाइटिस हो जाता है। तो नॉन अल्कोहलिक स्टियोहेपेटाइटिस किन लोगों को ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला देखिए, वृद्ध व्यक्ति, जिन लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है उनको ये हो सकता है, या फिर जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, टाइप 2 डायबिटीज की समस्या है, या फिर जिन लोगों में मोटापा बहुत ज़्यादा रहता है और जो फैट है बहुत ज़्यादा उन लोगों के पेट में जमा रहता है, जिन लोगों का पेट बहुत बड़ा रहता है, तो उन लोगों को NASH होने की संभावना होती है। तो आइए आगे हम बात करते हैं कि हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जो है इसको कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोगों को हेल्दी डाइट लेना चाहिए। हेल्दी डाइट का क्या अर्थ होता है, हमको हरी सब्जियां ज़्यादा लेनी चाहिए, फल ज़्यादा खाने चाहिए, सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए, होल ग्रेन ज़्यादा खानी चाहिए, और हेल्दी फैट का सेवन करना चाहिए। तो आगे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, देखो हम लोगों को हेल्दी अपना एक वेट मेंटेन करना है। जिन लोगों का वेट अभी बराबर है तो उन लोगों को उस वजन को ही आगे मेंटेन करके लेके जाना है, उसके लिए उनको अच्छे से व्यायाम करना चाहिए, और जो लोग बहुत मोटे हैं उनको अच्छे से डाइट लेना चाहिए और एक्सरसाइज लेनी चाहिए ताकि उनका वजन कम हो सके। तो इससे क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जो है वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता और लीवर आगे उतना खराब नहीं होता है, उसको हम बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है एक्सरसाइज। तो देखिए, हम लोगों को एक्सरसाइज करना है डेली, हफ्ते में जितने भी दिन है डेली एक्सरसाइज करना है। आप 1 घंटा करो या 2 घंटा करो, लेकिन जो लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर से सलाह मशवरा लीजिए, अगर वो बोलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए तो डेली कैसे करना है उनसे पूछ के एक्सरसाइज आपको चालू करनी है। तो आगे हम अब बात करने वाले हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जो है हम लोगों को हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए रक्त परीक्षाएं कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से टेस्ट कराकर हमको पता लगता है कि हमको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हुआ है कि नहीं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले खून की जाँच आती है जो कि है लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT बोलते हैं, ये आप करा सकते हैं, या फिर पेट का अल्ट्रासाउंड एब्डोमिन करा सकते हैं, या फिर CT स्कैन ऑफ एब्डोमिन करा सकते हैं, MRI स्कैन ऑफ एब्डोमिन करा सकते हैं। तो आइए आगे अब हम बात करेंगे, अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हुआ है तो किन डॉक्टर से आप मिल सकते हैं और सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको आपके फैमिली डॉक्टर से मिलना है।
उन लोगों को सब आपके बारे में पता रहता है, आप उनको बता सकते हैं हमको ये समस्या है, अगर वो ठीक कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको आगे क्या क्या करना चाहिए, नहीं तो आप गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं या फिर हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप आगे भी इसी तरीके के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।